लोजपा रामविलास पूर्णिया के युवा सभा के जिलाध्यक्ष प्रशांत झा ने पुलिस पर गाड़ी में स्क्रैच लगने मामले में बिना जांच पड़ताल किए अपहरण का मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। युवा जिलाध्यक्ष प्रशांत झा ने शहर के नवरत्न हाता स्थित अपने निजी आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि जब एक समान परिवार का व्यक्ति सामाजिक कार्यों में हिस्सेदारी बढ़ाता है तो किस तरह उसे दबाया जाता है, उसका मनोबल तोड़ा जाता है। इसका उदाहरण 1 जून की घटना है। 1 जून की रात की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह एक साधारण सा मामला था जिसमें उनकी गाड़ी में स्क्रैच लगा और उसके बाद मामूली झगड़ा हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा बिना जांच पड़ताल किए और बिना किसी पूछताछ के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी के युवा शाखा के जिलाध्यक्ष होने के नाते वे हमेशा सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी और पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता के द्वारा बाद में यह स्वीकार किया गया कि उस व्यक्ति का अपहरण नहीं हुआ था, जबकि वे समीक्षा से जिला अध्यक्ष प्रशांत झा की गाड़ी में बैठकर गाड़ी में हुए नुकसान की भरपाई करने गया था। शिकायतकर्ता के ही बयान पर उन्हें न्यायालय से जमानत मिली है और शिकायतकर्ता ही उनके बेलर भी बने हैं। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बीते 1 जून की रात को जो घटना हुआ था कुंडी पुल के पास, जिसके बाद मेरे ऊपर अपहरण का झूठा आरोप लगा करके मुझे जेल भेज दिया गया, उसके विषय में है। ये जो 1 जून की घटना थी, उसके बाद जो भी पुलिस के द्वारा बिना जांच के जो कार्रवाई की गई और मीडिया के लोगों के द्वारा जो अनर्गल बातें छापी गई, ये बस उदाहरण है। एक जब कोई आदमी एक सामान्य परिवार से सामने आता है और समाज के हित में कुछ करना चाहता है, मैं जब से सामाजिक जीवन में हूँ लगातार जो है मैंने, चाहे वो किसी को खून उपलब्ध कराना हो या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना हो या ज़रूरतमंदों के ज़रूरत में उनके साथ खड़ा रहने का जो होता है, मैंने हमेशा से वो काम किया है। उस रात एक छोटी सी घटना जो मेरे कार में एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो नॉर्मल सा झगड़ा होता है, नॉर्मल सा झगड़ा होने के बाद पुलिस के द्वारा बिना जाँच किए हुए झूठा कार्रवाई करके, झूठा अपहरण का मुकदमा लगा करके मुझे जेल भेज दिया गया। उस समय न तो पुलिस के द्वारा ये जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर केस किया, ना उसकी पूरी बात सुनी गई, ना हम लोगों से कोई सफाई लिया गया, और बिना कुछ सुने हुए सीधा जेल भेज दिया गया हमें। और उसके बाद जो है वही व्यक्ति जब वापस आया थाने में केस अपनी शिकायत वापस लेने के लिए, उसके साथ गलत दुर्व्यवहार पुलिस के द्वारा किया गया और फिर उसी व्यक्ति के सफाई के बाद उसी व्यक्ति के बयान के आधार पर मुझे कोर्ट से जमानत मिली। क्या पुलिस ने आपको फंसाने की कोशिश की, क्या मामला है? क्यों पुलिस ने फंसाने की कोशिश नहीं की, मुझे नहीं पता पुलिस यहाँ पे किससे प्रेरित होकर के काम करती है। पुलिस बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी पूछताछ के सीधा ही जो है अपहरण का आरोप लगा करके, फिरौती का आरोप लगा करके, रंगदारी का आरोप लगा करके मुझे जेल भेज दिया। और मेरे पास लिखित बयान है उस व्यक्ति का जिसने मेरे ऊपर मेरे खिलाफ शिकायत शुरुआत में दर्ज की थी, उस व्यक्ति का लिखित बयान है। उसने कोर्ट में दिया है कि मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ था, मैं स्वेच्छा से उनकी गाड़ी में बैठ करके जो गाड़ी में मैंने नुकसान किया था उसकी भरपाई करने के लिए इनके साथ में गया था। कोर्ट आपको किस आधार पे बेल दी? जिस 1 जून की रात को मुझे पकड़ा गया था और 2 जून के दिन में 3 बजे वो व्यक्ति थाना वापस आता है, कह रहा है कि मुझे शिकायत नहीं करनी, वहाँ के लोगों ने जबरदस्ती, अब वहाँ पे कौन लोग थे मुझे नहीं पता, वहाँ के लोगों ने जबरदस्ती मुझसे शिकायत लिखवा कर किया है, मुझे वापस लेना है। तो पुलिस ने बोला CGM के यहाँ जा करके बयान देना, फिर CGM के यहाँ पे उन्होंने बयान दिया, उसके बाद मुझे जमानत मिली। दोषी पूरा ये जो यहाँ पे बिहार में जो चल रहा है पुलिस का पूरा जो प्रक्रिया है, ये जो पुलिस का तंत्र है, जो मीडिया का तंत्र है, हर कोई दोषी है। एक सामान्य व्यक्ति आता है, उसके एक नॉर्मल सा झगड़ा होता है, बात को मतलब तिल का तार बना करके उसको जेल भेज देना, उसको बदनाम कर देना, उसके नाम को खराब कर देना, पुलिस नहीं पूरा तंत्र ही दोषी है, पुलिस भी उसका एक हिस्सा है, उसका हिस्सा मीडिया भी है। कहा जा रहा है कि जिस दिन आपके साथ घटना हुई थी जी, SP जो है उस दिन थाने में ही मौजूद थे, उनको सूचना मिली, उसके बाद उनकी मुझे नहीं पता SP कहने पे ही ये सारा कुछ, मुझे नहीं पता SP कहाँ मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, लेकिन मैं एक बताता हूँ, एक घटना मुझे जब जेल भेजा गया उसके बाद एक पुलिस अधिकारी ने ही मेरे से बात की, और पुलिस कह रहे वो अधिकारी मेरे से कह रहा है कि पुलिस सुपरिटेंडेंट कौन है यहाँ, मुस्लिम है, और तुम्हारा विवाद किसके साथ में हुआ था, मुस्लिम के साथ हुआ था, तभी तो तुम यहाँ पे हो। जब पुलिस जात पात धर्म करेगी, ना तो मैं व्यक्तिगत तौर पर वैसा हूँ कि जात पात और धर्म की बात करूँ, ना तो मेरे पार्टी के नेता वैसे हैं,
जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ लोजपा रामविलास, जो हमारे नेता है माननीय चिराग पासवान, ना उनके कथनी और करनी में कहीं पे भी जात पात धर्म आता है, ना मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा हूँ। जब पुलिस अधीक्षक के बारे में लोग ऐसा बात करेंगे, मुझे नहीं पता पुलिस अधीक्षक ने इसलिए किया या नहीं किया, लेकिन जब पुलिस अधीक्षक के बारे में ऐसा बातचीत होगा तो फिर और क्या ही कह सकते हैं। एक छोटा सा मामला था, मैं वहाँ पे कुंडी पुल के पास एक हॉस्पिटल है मुस्कान नर्सिंग होम के बगल में, मेरे दोस्त का हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे गया था दवाई लेने के लिए, और वहीं पे मेरी खड़ी गाड़ी में आकर के जो होटल वाले थे जिन्होंने शिकायत किया है वो आकर के मेरी गाड़ी में धक्का मारे रिक्शा से, उसके बाद ये नॉर्मल सा झगड़ा हुआ और वहाँ पे देखते देखते 10 मिनट के अंदर 400-500 लोग इकट्ठा हो गए। मैं वहाँ से निकल करके यहाँ बारी हाट आया और उसमें से एक व्यक्ति मेरे साथ था जो कह रहा था कि भैया जो खर्चा हुआ है वो हम बना देंगे, वो अपने साथ मेरे साथ आया था पैसा मंगवाने के लिए यहाँ पे, और इतनी ही देर में पता नहीं कहाँ से पुलिस आई और सारा जो है मामला उसके बाद। निश्चित तौर पे कोई ना कोई है, क्योंकि ना तो मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड रहा है ना इतिहास रहा है, ये मैं बस एक ही पहचान है, मैं लोजपा रामविलास का जिला अध्यक्ष हूँ। आप होटल की बात करें, क्या होटल जिस तरह बता रहे थे कि होटल वाले ने जिस तरह से इस होटल वाले की कोई संलिप्तता नहीं है, उन्हीं के बयान के आधार पर मुझे कोर्ट से जमानत मिला है। मेरा जो जमानत हुआ है उसमें मेरा बेलर भी वही व्यक्ति बना है, संजूर आलम नाम है उनका। उनके इर्द गिर्द जो 400-500 लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, तुरंत उनमें से कोई होगा साजिश करता या कोई होगा मुझे नहीं पता इस बारे में। प्रशांत झा, युवा जिला अध्यक्ष, लोजपा रामविलास। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।